युवराज से अभीरा को कैसे बचाएगी अक्षरा? वेल, टीवी दुनिया के मोस्ट पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक बेहद दिलचस्प और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि जहां आपको एक तरफ देखने को मिलेगा कि कैसे युवराज बार बार अभीरा को परेशान कर रहा है, लेकिन अब ये बात अक्षरा को पता चल चुका है, जिसकी वजह से वो युवराज के पिता के पास कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन युवराज इतना शातिर है कि वो अपने पिता के पास वो अक्षरा को पहुंचने दे ही नहीं रहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप सभी को देखने को मिलेगा कि कैसे अरमान है कि वो अपनी फैमिली की जो सच्चाई है, यानी कि जो पुदार फैमिली की सच्चाई है, उसे छुपाने की कोशिश कर रहा और खुद से भी उस सच्चाई को वो इग्नोर कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इस सीरियल के लेटेस्ट ट्रैक में क्या कुछ नया होने वाला है। हालांकि हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से अक्षरा युवराज के पास जाती है और उसे अपनी बेटी को परेशान करने के लिए डांट है, काफ़ी बातें सुनाती है, लेकिन युवराज इतना बदमाश और ढीठ है कि वो अक्षरा की बातें सुन ही नहीं रहा। लेकिन वहीं हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से अरमान और रूहे के बीच प्यार की फुलझड़ियाँ खिल चुकी है और ये दोनों एक दूसरे के प्यार में लीन हो चुके हैं। लेकिन ये बात अभी भी अरमान की दादी से अनजान है, क्योंकि अरमान की जो दादी हैं वो रूहे को बेहद पसंद करने लगी हैं और वो रिश्ता भेजने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन अब ये बात वो अपनी पूरी फैमिली से छुपा रही हैं। वेल, इस सीरियल का लेटेस्ट ट्रैक सामने आ चुका है और ट्रैक में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से अक्षरा युवराज के पिता के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वही युवराज है कि वो अक्षरा को जाने से रोक लेता है और वो साथ ही धमकी भी देके जाता है कि अगर आप मेरे पिता के पास गई तो आपको अपनी जान से हाथ धोनी पड़ेगी। लेकिन वही अक्षरा है कि वो अपनी बेटी के लिए, यानी कि अबीरा के लिए, वो कुछ भी कर गुजरने को हिम्मत रखती है और वो करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप सभी को देखने को मिलेगा कि कैसे अक्षरा और अबीरा के रिजॉर्ट से पुदार फैमिली वापस अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन अक्षरा उनके पास आती है और उन्हें शुक्रिया अदा करती है रिजॉर्ट में रुकने के लिए। लेकिन वहीं अरमान की जो दादी है वो अबीरा को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही और वो जैसे ही सामने आती है वो अक्षरा को डांट देती है। लेकिन अरमान है कि वो अपनी फैमिली की जो सच्चाई है उसे सबसे छुपाने की कोशिश कर और वो खुद से भी उस बात को इग्नोर कर रहा है। लेकिन वही अरमान की जो दादी है वो अरमान से ही कुछ ऐसा कह देती है जिसके बारे में अरमान ने कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा उठता है कि अरमान की दादी अरमान से ऐसा क्या कहें जिसके वजह से अरमान इतना परेशान है। वेल, इस वीडियो पे आप सभी का क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपनी फेवरेट से एक अपडेट जानने के लिए देखते रहें फिल्म बिट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।